नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आरपीएससी द्वारा यहां पर आप देख सकते हो 8 जुलाई को ये जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहां पर पीटीआई भर्ती जो है 2022 जारी हो चुकी है। सेकंड ग्रेड की ये भर्ती है, पीटीआई सेकंड ग्रेड की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपका जो पदों का वर्गीकरण है क्या है, और यहाँ पर जो है आपके कितनी फ़ीस लगने वाली है, और इस भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्या योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए, सभी के बारे में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सेकंड ग्रेड लेवल की भर्ती है, 4200 इसकी पे ग्रेड रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो L11 आपको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर पदों को आप देख सकते हो कितने पद हैं। तो यहाँ पर जो है सामान्य क्षेत्र के जो हैं 318 पद हैं, और TSP एरिया के यहाँ पर 141 पोस्ट हैं। शहरिया के यहाँ पर केवल 2 ही पोस्ट हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों का वर्गीकरण दिया गया है। तो इनको आप देख सकते हो, सामान्य की बात करूँ मैं जनरल कैटेगरी की, तो सामान्य के यहाँ पर जेंट्स के जो पद हैं वो 100 पद हैं, महिलाओं के 30 हैं, विधवाओं के 9 हैं, और परित्यक्ता के यहाँ पर 0 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में। और TSP एरिया में जो है जेंट्स की 52, फीमेल की 15, और विधवा की 5, और परित्यक्ता की 1 है। शहरिया की केवल 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, वो भी पुरुषों की, जिनको आप पुरुष या महिला कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य की 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। आगे आप देखोगे यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS कैटेगरी, जिसमें जो पुरुषों की वैकेंसियां हैं वो 21 हैं, महिलाओं की 6 हैं, और TSP एरिया में EWS की कोई पोस्ट नहीं है, और ना ही शहरिया में है। अनुसूचित जाति वर्ग की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो अनुसूचित जाति वर्ग में यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं SC कैटेगरी, अनुसूचित जाति को बोलते हैं SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी की हम बात करें तो SC में जेंट्स की यहाँ पर 36 पोस्ट हैं, फीमेल की 8 हैं, और विधवाओं की यहाँ पर 1 पोस्ट है। और TSP एरिया में SC कैटेगरी की जो है यहाँ पर जेंट्स की 5 पोस्ट और फीमेल की 1 पोस्ट है। परित्यक्ता की यहाँ पर जो है SC कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। अब मैं ST कैटेगरी की बात करूँ, तो ST कैटेगरी की सामान्य की मतलब पुरुषों की जो है 28 पोस्ट, महिलाओं की 6 पोस्ट, विधवा की 1 है। जबकि TSP एरिया में ST कैटेगरी की 44 पोस्ट है पुरुषों की, और 12 महिलाओं की हैं, और 5 जो है यहाँ पर विधवाओं की हैं। ये यहाँ पर आपका वर्गीकरण है। और पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूँ OBC की, तो OBC में पुरुषों की जो है नॉन TSP एरिया में केवल 45 पोस्ट हैं, TSP में कोई पोस्ट नहीं है। सामान्य महिला की 12 पोस्ट हैं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग OBC में, विधवाओं की 3 पोस्ट हैं। अति पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूँ तो अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य की 11 पोस्ट हैं, सामान्य महिलाओं की केवल 1 पोस्ट है MBC कैटेगरी में। तो पुरुषों की 11 और महिलाओं की 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है MBC कैटेगरी में। तो चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं दंडवत आरक्षण। नॉन TSP में भूतपूर्व सैनिकों की 109 पोस्ट हैं, जिनमें 73 इसमें इनकी बैकलॉग हैं। और यहाँ पर विशेष योग्यजन जो हैं PH वाले, उनकी यहाँ पर 21 पोस्ट हैं, जिनमें DHH वाले की 10 पोस्ट हैं, OL, CPA, LCA, DW या AW की 7 या 2 इनकी बैकलॉग हैं, ASW, ASD की यहाँ पर जो है 4 पोस्ट हैं। दंडवत आरक्षण में बात करूँ TSP के भूतपूर्व सैनिकों की 7 पोस्ट, जिनमें 7 बैकलॉग हैं, टोटल 23 पोस्ट हैं TSP में भूतपूर्व सैनिकों के। विशेष योग्यजन के यहाँ पर 6 पोस्ट दिए गए हैं। आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ साथियों, तो यहाँ पर आपको जो है मैं बता देता हूँ गैर TSP मतलब नॉन TSP और TSP क्षेत्र के निवासी जो हैं यहाँ पर पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आप सब रूप से जो है ऑनलाइन आवेदन में भरें, अथवा अन्यथा TSP क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यदि TSP क्षेत्र के अभ्यर्थी TSP क्षेत्र में ही कार्य सेवा करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अपनी प्राथमिकता जरूर देवें। अब मैं यहाँ पर उनके बारे में बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है कौन सी कैटेगरी के लिए जो है क्या क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ क्या क्या चाहिए आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, या उसके समान आपको UGC से प्राप्त कोई भी जो है ऐसी डिग्री है जो कि ग्रेजुएशन के लेवल के तुल्य मानी जाती है।
और यहाँ पर आपने बी पी एड का डिप्लोमा भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। बी पी एड का ये डिप्लोमा होता है, ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसको बोला जाता है, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट के नाम जो है के द्वारा इसको जो है मान्यता दी जाती है। तो बी पी एड की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो ये सभी को राजस्थान के निवासियों को राजस्थानी कल्चर और इनके बारे में देवनागरी लिपि के बारे में सभी को आता है। तो ये आपकी यहाँ पर मेन योग्यता है ग्रेजुएशन और बी पी एड का डिप्लोमा, बी पी एड की डिग्री। अब शैक्षणिक अर्हता संबंधी कुछ प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं कि यदि आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या फिर अंतिम वर्ष आपकी कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ये आपके लिए जो है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यदि आपने अंतिम वर्ष में फॉर्म भर दिया है तो परीक्षा से पहले आपके पास जो है वो अंतिम वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए परीक्षा लगने से पहले। वेतन आपको L11 मिलेगा, लेवल 11 मिलेगा आपको, ग्रेड सेकंड जो है लगभग आपको 4200 पे ग्रेड है, लगभग आपका वेतन 50,000 के आसपास यहाँ पर बनेगा, 48-50,000 के आसपास आपका वेतन 2 साल बाद यहाँ पर बनेगा। 2 साल तो तक आपको 26,500 यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। आगे आयु सीमा की मैं बात करूँ तो आयु सीमा आपकी जो है 1/1/2023 को 18 साल हो जानी चाहिए और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, तो न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष। 1 जनवरी 2023 तक भी आपकी 18 साल कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप एलिजिबल माने जाओगे। और अन्य कैटेगरियों के लिए 5 साल की इसमें छूट दी गई है, जैसे कि SC ST OBC EWS MBC इनके लिए 5 साल की आयु में छूट दी गई है। जबकि मैं बात करूँ यहाँ पर अन्य जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए जनरल को छोड़कर सभी के लिए 10 साल की छूट है, और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए केवल 5 साल की छूट है। यहाँ पर विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई आयु सीमा का यहाँ पर कोई निर्धारण नहीं है। ये आपके लिए मेन जो है यहाँ पर तो साथियों ये आपकी जो है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है। और यहाँ पर जो है दिव्यांगजन जो होते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड उनके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। आगे आप यहाँ पर देखोगे इसमें कि आपके फॉर्म जो है कब स्टार्ट होंगे और चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पर प्रतियोगी आपकी परीक्षा होगी, आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग भी कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन या मॉडरेशन भी कर सकता है, क्योंकि आपका मान लो 2 चरणों में पेपर होता है तो आपकी नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग की जा सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। परीक्षा का स्थान और तिथि जो है आपको अलग से बोर्ड पर बोर्ड की साइट पर आपको मिल जाएगा, RPSC की साइट पर, क्योंकि RPSC इस भर्ती को कराएगी। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन आपको 15 जुलाई से और 13 अगस्त के मध्य आपको करने होंगे, 13 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक आपकी जो है साइट चालू रहेगी। तो 15 जुलाई से आप 13 अगस्त तक फॉर्म जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी जो है आवेदन की जो है प्रक्रिया, आप ई मित्र वाले से जाकर फॉर्म जो है भरवा सकते हो या फिर खुद भी आप जो है SSYD से भर सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर जो है बताई गई है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है कितनी फॉर्म फीस जो है आपकी लगेगी। तो काफ़ी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पहले करवा रखा है, तो उनको तो केवल जो है यहाँ पर फीस कटवानी होगी, चालान कटवाना होगा, उनका जो है पूरी डिटेल सेम टू सेम पहले वाली यहाँ पर चल जाएगी। यदि किसी प्रकार का आपको आपसे कोई गलती हो जाती है जन्म तिथि में या फिर अभ्यर्थी के नाम में, पिता के नाम में, तो 500 रुपये का शुल्क देकर आपको बाद में त्रुटि को सुधार करवाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर पेपर के बारे में बताया गया है कि क्या आपका पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर बता देता हूँ। एग्जामिनेशन सेल कैरी 460 मार्क एंड मैक्सिमम 40 मार्क सेल वी अवार्डेड फॉर पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट या टूर्नामेंट। तो यहाँ पर 460 आपके जो है पेपर के नंबर होंगे और 40 आपके यहाँ पर जो है
वो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट या टूर्नामेंट में जो आपके 40 नंबर हैं वो इसमें जुड़ेंगे एज पर नोट मेंशनड बिलो। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड आपका जो है पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का, पेपर सेकंड 260 का होगा, तो टोटल आपका 460 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर पेपर वन जो है आप देख सकते हो उसमें क्वेश्चन जो है 200 नंबर के यहाँ पर जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 मार्क्स आपके पेपर होगा, 200 मार्क आपके अधिकतम होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, इस वजह से 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके यहाँ पर हो गए। सिलेबस यहाँ पर लगभग सब्जेक्टों में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी। तो लगभग जो है लेबर असिस्टेंट जैसा ही आपका फर्स्ट पेपर है, करंट अफेयर्स केवल आपकी राजस्थान लेवल की आएगी। और यहाँ पर देखोगे आप नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर जो है 1/3, यहाँ पर 1/3 के बारे में यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ, 1/3 रहेगी या नहीं। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन दी एवेलेशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स, मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आप आगे यहाँ पर देख सकते हो 40% आपको जो है दोनों पेपरों में लाने अनिवार्य हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग बार फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, तो 40% आपको यहाँ पर लाने पड़ेंगे। परसेंटेज फिक्स्ड एज एबव सेल बी रिलैक्स्ड बाय दी 5% कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। SC/ST के लिए 5% की छूट दी गई है, 35% SC/ST को लाना पड़ेगा, SC/ST को केवल 35% लाना अनिवार्य है, इसके बाद जो कट ऑफ जाएगी उतने तो आपके होने चाहिए। अन्य कैटेगरियों के लिए 40%, SC/ST के लिए 35% होने अनिवार्य हैं। पेपर सेकंड 260 नंबर का यहाँ पर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 130 क्वेश्चन उसमें सेकंड पेपर में आएंगे, 260 नंबर के पेपर आएंगे, 40% इस पेपर में भी लाना अनिवार्य है, दोनों में अलग अलग 40% लाना है, जबकि SC/ST के लिए 35% लाना अनिवार्य है। सेकंड पेपर में आपका जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब 11वीं 12वीं लेवल का आपको जो है PTI की जो फिजिकल एजुकेशन की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, तो 11वीं 12वीं की किताबों को आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स, और आपको जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको राजस्थान की पढ़नी है, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट की, क्योंकि स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफ़ी आएंगे खिलाड़ियों के। थ्योरी एंड डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं या सिद्धांत जो हैं उनको आपको पढ़ना है। एजुकेशन एंड गेम्स साइकोलॉजी आपको पढ़नी होगी। मेथड्स सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ना होगा। थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस ये भी आपको पढ़ना होगा। साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एनाटॉमी फंक्शनल एंड हेल्थ एजुकेशन ये आपको पढ़ना होगा। एंटरटेनमेंट कैंप एंड योगा ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। तो पेपर सेकंड के यहाँ पर सिलेबस बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हर जो है सिलेबस के हर टॉपिक के यहाँ पर नंबर बताए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हो कौन से टॉपिक के कितने नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है आपको ये आपके सर्टिफिकेट के नंबर हैं साथियों, यहाँ पर ये सिलेबस के नहीं है, ये सर्टिफिकेट के हैं, ये आपको ध्यान रखना है किस लेवल का आपने सर्टिफिकेट जीता। हाईएस्ट यहाँ पर 40 नंबर आपको मिलेंगे, यदि आपने इंटरनेशनल लेवल का कोई या फिर आप नेशनल लेवल में भी फर्स्ट आए हो तो आपको 40 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। सेकंड पोजीशन पर आपको 36 नंबर, थर्ड पोजीशन पर 32 नंबर और अन्य आप स्टेट लेवल पर आपको 28 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। जबकि अन्य कोई लेवल का आपने सेकंड पोजीशन स्टेट लेवल में लिया तो उसके लिए 24 मार्क्स, थर्ड पोजीशन के लिए 20 मार्क्स और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 16 मार्क्स, सेकंड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल 12 मार्क्स और यहाँ पर थर्ड पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 4 मार्क्स। ये आपके जो है जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसके यहाँ पर नंबर बताए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपके नंबर यहाँ पर बताए गए हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप जो यहाँ पर नंबर आपको मिलेंगे। और यदि आपने मान लो 2.5 लाख से कम आय भरी है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको 2.5 लाख से कम आय का जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा बोर्ड के समक्ष, तो ये आपको ध्यान रखनी है। 2.5 लाख से यदि आप आय कम भरते हो तो आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बनवा कर देना होगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए
क्रीम लेयर श्रेणी के पेशेवर या अति पेशेवर के लिए जिनकी परिवार की आय 8 लाख से ज़्यादा है उनके लिए यहाँ पर 350 रुपये फीस लगेगी, जबकि नॉन क्रीम लेयर के पेशेवर या अति पेशेवर MBC या OBC या EWS के लिए यहाँ पर 250 रुपये, जबकि निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिनकी परिवार की आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये यहाँ पर लगेंगे, जबकि TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 12 जिले के शहरियाओं के लिए यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे। तो ये आपकी परीक्षा शुल्क यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी भर्ती से रिलेटेड है, जो कि आपके लिए जो है यहाँ पर रामबाण साबित होने वाली है। तो इन तरीकों से जो है आपको फॉर्म भरना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आय प्रमाण पत्र आपको ध्यान रखना है, आय प्रमाण पत्र आपको जब आपकी फॉर्म की लास्ट डेट हो उससे पहले आपका बन जाना चाहिए। लास्ट डेट तक आपका आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बनना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो साथियों आपका ये फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना, ये आपकी विज्ञप्ति की जो भी संपूर्ण जानकारियाँ थी मैंने आज की वीडियो में बता दी हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।